उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ती बीजेपी के सामने निषाद समाज के आरक्षण की मांग गले का फंदा होते दिख रहा है। इसी को लेकर निषाद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इस बार उनका पूरा फोकस निषादों पर रहने वाला है। तो निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण बिठाना भी एक बहुत बड़ा काम जो है वो पार्टियों के सामने बना हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम रैलियां, तमाम जनसभाएं हो रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि निषादों के लिए आरक्षण कैसे पूरा किया जाए, कैसे इसको आगे रखा जाए। पूरा फोकस निषादों पर रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो समीकरण है उन्हें बिठाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पाले में रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटों को देखा जाए और लोगों की समस्याओं को सुना जाए। तो चुनाव की तैयारियों में निषाद पार्टी भी जुड़ी हुई है। ऐसे में अजय सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता है निषाद पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की और न्यू ईयर की। जी अजय जी, निषादों को निषाद आरक्षण कब मिलेगा? सबसे अहम सवाल और पहला सवाल यही। ये बहुत अहम सवाल है और ये जनता जनार्दन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि निषाद बहुल सीटें जो कि उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पे आती है, जिसमें परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार प्रसाद जी ने इस बात की सूचना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे चुके हैं और उनको इस बात से अवगत करा चुके हैं कि निषाद समुदाय को आरक्षण अगर नहीं मिलता है तो यह वर्ग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में असहज महसूस करेगा। और इस बात की सूचना 17 दिसंबर की रैली में परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने समुदाय की बहुलता के साथ वहां दस्तक देके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बता दिया है कि हम जिन विधानसभा सीटों पर अपनी बहुमत रखते हैं उसकी संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में निषाद समुदाय एक बहुत अहम भूमिका निभाने की जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उनकी बहुलता वाली सीटें देने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, जिसमें से पूर्वांचल की 12 सीटें, उत्तरांचल की, पश्चिमांचल की और महाराजगंज बेल्ट की, गोरखपुर बेल्ट की, इन सभी सीटों पर 70 विधानसभा सीटों पर तैयारी पे। बिल्कुल अजय जी, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये जो मांग है आरक्षण की, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान लिया जाए कि निषाद समाज जो है बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है, यानी कि किनारा जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि चूंकि मैं इस सिस्टम से बहुत अंदर तक जुड़ा हूँ, निषाद समुदाय के हितों के लिए मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ दिन प्रतिदिन उनके साथ जुड़ा हूँ। जो व्यवस्था आज कायम हुई है, आपको मुझे अवगत कराने में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको अवगत कराया है कि हम शीघ्र ही आपके आरक्षण की व्यवस्था करा करके और विधानसभा चुनाव के पहले ही लागू कर देंगे। इसकी वजह है कि इसमें कोई नई व्यवस्था नहीं बनानी है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि जो समुदाय पिछले कई वर्षों से ऑलरेडी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उसे बस लागू कर देना है। अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो उत्तरांचल में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये ऑलरेडी आरक्षित श्रेणी में है। हमें करना सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें, इनको चलती आ रही हैं। तो बीजेपी तो साथ होने का दावा कर रही है, फिर इतनी देरी किस बात की है? नहीं, मैं देरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका वजह यह है कि इसकी एक न्याय प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक ऑफिशियल व्यवस्था होती है, उसको लागू करने की व्यवस्था। परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आह्वान पे जो समाज वहां गया था, तो इसको देखते हुए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने चिट्ठी लिखकर के केंद्र को अवगत कराया है कि शीघ्र इस व्यवस्था को अगर लागू नहीं किया गया तो यह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में असहज महसूस करेगा। इस बात को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए कि समाज की व्यवस्था भाजपा और निषाद पार्टी गठबंधन के साथ त्वरित लागू हो जाए और उत्तर प्रदेश में 2022 में इस समाज को लेकर के चलने के साथ भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन से 300 से ऊपर सीटें जीतने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था अब लागू हो चुकी है, इसमें देर बिल्कुल नहीं है। समाज को मैं दिन प्रतिदिन अवगत कराता आ रहा हूँ कि अब आप लोग आरक्षण श्रेणी में आ चुके हैं, केवल व्यवसायिक व्यवस्था ऑफिशियल व्यवस्था कायम होनी बाकी है, जो मुझे लगता है कि आने वाले जनवरी महीने में 6-7-8 तारीख को इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अजय जी, आप भी चुनावों की तैयारियों में बखूबी जुटे हुए हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों की हमारे सामने आई है, हमने दिखाया भी है, खबरें भी चलाई हैं। आप ये बताइए कि एक तो मुख्य मांग यही है आरक्षण की, इसके अलावा और क्या काम है जो अभी होने बाकी है निषादों के लिए, जिसको लेकर आप उजागर करेंगे ताकि बीजेपी से, अगर आप बीजेपी गठबंधन की बात कर रहे हैं और आगे चलने की बात कर रहे हैं, तो वो काम होने चाहिए, तभी तो निषाद समाज आगे जाएगा बीजेपी के साथ। आपको मैं अवगत करा दूं कि पिछले 17 तारीख को जिस दिन हम लोग की सामूहिक रैली थी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की जी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया था कि मछुआ समुदाय के बहुत सारे मसले हैं जो लंबित हैं, जिसमें से 16 ऐसे मामले हैं जो लंबित अब नहीं है, उसको लागू कर दिया गया है। उसमें शामिल है मछुआ समुदाय को उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उनके जो पट्टे थे निरस्त हो चुके थे, समाजवादी सरकार ने जो निरस्त कर दिया था, बहुजन पार्टी की सरकार ने जो निरस्त कर दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने उसे तुरंत लागू कर दिया है। निषाद समुदाय के पट्टे वापस होने शुरू हो गए हैं। नंबर दो, जो इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं थी उसकी व्यवस्था कायम कर दी गई है। आरक्षण एक आखिरी मुद्दा है, वो होना बाकी है, लेकिन उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि 16 ऐसे मामले हैं जो लंबित थे और वह मामले अब पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। इसकी सूचना 17 तारीख के सभी अखबारों में अपनी प्रमुखता से छापा है कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सामूहिक व्यवस्था जो कायम हुई है उनमें किन किन मुद्दों को सॉल्व किया गया है। इसकी व्यवस्था कायम होने के साथ साथ 16 मसलों को हम लोगों ने लागू कर दिया। अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर बीजेपी नहीं मानती तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? निषाद पार्टी के पास क्या विकल्प है? निषाद पार्टी ने तो साफ शब्दों में कहा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की व्यवस्था पे समाज लगातार बोलता आ रहा है। और अगर वास्तविक स्थिति से देखी जाए तो ये उनकी मांग बहुत ही न्याय संगत और बहुत ही विचारपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि यह समाज 70 विधानसभाओं में अपनी बहुतायत रखता है। इस समाज के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो संभव है कि 2022 की विधानसभा हम जीतने से मतलब चूक जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी इस समाज को अनदेखा करके करेगी। यानी अजय जी, पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द आरक्षण की जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी, कबूल कर ली जाएगी। चलिए ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अजय जी हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अजय जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निषाद पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द निषादों के लिए जो आरक्षण है वो तय होना चाहिए, और बीजेपी से इनकी बातचीत भी हो चुकी है और बीजेपी कहीं ना कहीं तैयार भी है, जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है। यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बैठता हुआ अब निषादों के साथ नजर आ रहा है।